कर्नाटक में एरो इंडिया शो की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 5 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद इस वर्ष के आयोजनों में इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हॉल को 83 नए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के विकास के ऑर्डर मिले हैं। इस बीच उन्होंने बगैर नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत कई मोर्चों पर खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश हर कीमत पर अपने लोगों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए सतर्क और तैयार है।